दोस्तों आज हम बात करेंगे एक कल्ट क्लासिक एनिमेटेड साइबरपंक एक्शन फिल्म के बारे में जिसे वन ऑफ द फाइनेस्ट एनिमेशन फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम में गिना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1988 में आई एनिमे फिल्म अकीरा के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है कात्सुहिरो ओतोमो ने और ये इन्हीं के सेम नाम के मांगा पर बेस्ड है। इसमें मेन लीड्स निभाए हैं मित्सुओ इवाता, नोजोमु सासाकी, मामी कोयामा, तारो इशिदा, मिजुहो सुजुकी और तत्सुओ गेंडा ने। आज मैं आपको इसकी पूरी कहानी डिटेल में समझाऊंगा जिससे आप इस डिस्टोपियन स्टोरी को अच्छी तरह समझ पाएंगे। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको फॉरेन सिनेमा की उन मूवीज के बारे में जानकारी दूं जो शायद आपको कहीं और ना मिले। इसलिए ऐसे ही और दिलचस्प मूवीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों फिल्म शुरू होती है 16 जुलाई 1988 को। टोक्यो में सडन डिस्ट्रक्शन की वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी। फिर इस शहर को टोक्यो बे में आर्टिफिशियल आइलैंड्स पर रीबिल्ड किया गया नियो टोक्यो के नाम से। कहानी बढ़ती है 31 इयर्स आगे यानी 2019 में। शहर को करप्शन ने बुरी तरह से घेरा हुआ है। एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं, टेररिज्म है और गैंग वायलेंस है। इस शहर में शांति बनाए रखने के लिए मार्शल लॉ लगाया गया है। एक बार में न्यूज के जरिए हमें पता चलता है कि टैक्स रिफॉर्म्स की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ गया है और पूरी कंट्री में दंगे चल रहे हैं। सरकार और अपोजिशन में कोई कॉम्प्रोमाइज का जरिया नजर नहीं आ रहा है। इस बार में हम मिलते हैं अपने मेन कैरेक्टर गर्म मिजाज वाले शोतारो कनेडा से, जो कि विजिलेंट बोसोजुको गैंग द कैप्सूल्स का लीडर है। इसी गैंग का एक मेंबर यामागाटा कनेडा को खबर देता है कि उनकी राइवल गैंग द क्लाउन रूट नंबर 5 की ओर रवाना हुई है। फिर हम मिलते हैं इसी गैंग के एक और मेंबर तेत्सुओ सीमा से। वो कनेडा और इस फिल्म की आइकॉनिक रेड बाइक से हमें इंट्रोड्यूस करवाता है, जिससे वो बहुत फैसिनेटेड है और इसे कनेडा ने खुद अपने लिए कस्टमाइज किया है। इसमें कंप्यूटर कंट्रोल एंटीलॉक ब्रेक्स और 200 हॉर्स पावर एट 12,000 आरपीएम जैसी पावरफुल फीचर्स हैं। कनेडा और यामागाटा तेत्सुओ का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि वो इतनी पावरफुल बाइक नहीं चला सकता। फिर वो तीनों बाइक से एक एक करके अपने राइवल गैंग के मेंबर्स को डिफीट करते हैं। पर तभी पुलिस को ये खबर लग जाती है कि हाईवे 14 के इंटरसेक्शन पर दो बाइकर गैंग्स आपस में लड़ रही हैं। वो उनसे बचकर वहां से निकल जाते हैं। इधर न्यूज से हमें पता चलता है कि प्रोटेस्टेंट स्टूडेंट्स और रायट पुलिस के बीच में गर्मा गर्मी बढ़ गई है। सड़कों पर जाम लगा हुआ है, सभी उकताए हुए हैं। उसी वक्त हम वहां से एक दो लोगों को भागते हुए देखते हैं, जिसमें एक बड़ा है और दूसरा छोटा। उसका कलर भी लाइट ग्रीन सा है। दरअसल ये दूसरा दिखने में बच्चे जैसा है पर है नहीं। इसका नाम ताकाशी है। ये एस्पर्स यानी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन होने वालों का एक मेंबर है। ये एक ट्रायो है जिसमें साइकिक लोग हैं जिनका ध्यान नियो टोक्यो की जापानीज गवर्नमेंट रखती है। इनके बारे में आगे बात करेंगे। खैर, रस्ते में कुत्ते उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनमें से बड़ा वाला आदमी गन निकाल के कुत्तों को बीच सड़क में गोली मार देता है। वो एक रस्ते से निकल रहे होते हैं जो दंगों की वजह से ब्लॉक्ड होता है। तभी पुलिस की स्पॉटलाइट उन पे पड़ती है और उसके हाथों में गन देख के पुलिस हमला करना शुरू कर देती है। वो ताकाशी को बचा लेता है पर पुलिस उसे गोलियों से भून देती है। वो मरते मरते ताकाशी को जल्द से जल्द रियो के पास जाने को कहता है, पर ताकाशी उसकी मौत देख के डेवस्टेटेड नजर आता है क्योंकि एक्सेसिव ब्लीडिंग से उन्हें डर लगता है और वो चिल्लाने लगता है, जिससे उसकी टेलीकिनेटिक पावर्स एक्सीडेंटली एक्टिवेट हो जाती हैं और इससे बिल्डिंग के सारे कांच टूट जाते हैं। इसी भीड़ में रियो और उसकी साथी के भी मौजूद होते हैं। ये गवर्नमेंट के खिलाफ बनाए गए एक रेजिस्टेंस के मेंबर्स हैं जिसके लीडर्स हैं खुद रियो और मिस्टर नेजू। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। रेजिस्टेंस का एक मेंबर होने के नाते के ने ताकाशी को गवर्नमेंट लेबोरेटरी से एस्केप करवाने में मदद की थी। वो लोग देखते हैं कि ताकाशी लोगों के पैनिक होते ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वहां से गायब हो चुका है और शहर के आउटस्कर्ट्स में पहुंच गया है। इधर कनेडा, तेत्सुओ और यामागाटा अभी भी बाइक से क्लाउन्स का पीछा कर रहे होते हैं। तेत्सुओ एक क्लाउन मेंबर को सबक सिखाता है और थोड़ी देर के बाद ही ताकाशी अचानक उसके सामने आ जाता है और उसकी बाइक क्रैश हो जाती है, जिससे एक छोटा सा धमाका होता है और तेत्सुओ घायल हो जाता है। कैप्सूल्स
तेत्सुओ के पास पहुंचने वाले होते हैं कि तभी वहां कुछ हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं और इसमें मौजूद है तकाशी का फेलो एस्पर मसारू और जापान सेल्फ डिफेंसिस फोर्सेस कर्नल शिकिशिमा। मसारू ने अपनी पावर से ये डिटेक्ट कर लिया कि वो कहां टेलीपोर्ट हुआ। वो टेलीपैथी से एक आइसोलेटेड सेटिंग तैयार करता है जिससे हाईवे पे खामोशी और अंधेरा छा जाता है और वो तकाशी से सीधे बात करता है। वो तकाशी को फिर से रिकैप्चर कर लेते हैं ये कहते हुए कि वो सिर्फ उन्हीं के साथ सुरक्षित रह सकता है। वो तेत्सुओ को अलग ले जाते हैं और कैप्सूल्स को अरेस्ट कर लेते हैं। उन्हें इंटरोगेशन के लिए ले जाया जाता है जहां बहुत सारे लोग शामिल हैं जिन्हें दंगों में पकड़ा गया है। यही कनाडा की मुलाकात होती है के से। पुलिस पूछताछ के बाद कनाडा और उसकी गैंग को छोड़ देती है और वो बड़ी चालाकी से अथॉरिटीज को चकमा देके के को भी वहां से रिलीज करवा देता है। कनाडा उससे फ्लर्ट करते हुए साथ में डेट पर चलने के लिए पूछता है। के उसे थैंक यू तो कहती है पर इससे ज्यादा भाव नहीं देती। वो उसे अपना नाम तक नहीं बताती और वहां से चली जाती है। पर कैप्सूल्स को सजा के तौर पर रिफॉर्म स्कूल भेज दिया जाता है। वहां उन्हें थोड़ा मारपीट के छोड़ दिया जाता है। उन्हें ये नहीं बताया गया कि तेत्सुओ को किस हॉस्पिटल में रखा गया है। इधर सीक्रेट गवर्नमेंट फैसिलिटी में कर्नल शिकिशिमा और सेनेटर की बातचीत हो रही है। कर्नल को लगता है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई मोल या जासूस मौजूद है पर सेनेटर को ऐसा नहीं लगता। मोल हो या ना हो पर सेनेटर के मुताबिक अगली एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग में कर्नल के पुअर मैनेजमेंट और तकाशी की किडनैपिंग में उसकी जजमेंट की कमी पर सवाल जरूर उठाए जाएंगे। तभी कर्नल के लिए कॉल आता है और उनके हेड ऑफ रिसर्च डॉक्टर ओनिशी को पता चलता है कि तेत्सुओ में ऐसी पावरफुल साइकिक एबिलिटीज के पैटर्न्स मिले हैं जो बिल्कुल अकीरा से मिलते जुलते हैं। दरअसल ये भी एक एस्पर है जो फिल्म के शुरुआत में दिखाए गए धमाके का जिम्मेदार था जिस धमाके ने 1988 में टोक्यो शहर को तबाह कर दिया था। कर्नल डॉक्टर से पूछता है कि अगर इसकी शक्तियां वाकई वैसी हुई तो क्या तुम इसे कंट्रोल कर पाओगे। डॉक्टर जवाब तो पॉजिटिवली देता है पर ऐसा लगता नहीं है कि वो कर पाएगा। इसलिए कर्नल उसे पहले ही हिदायत देता है कि जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि चीजें हाथ से बाहर जा रही हैं, उसी वक्त तेत्सुओ को जान से मार देना बिना हिचकिचाए। इधर लड़कों के वापस आने के बाद काओरी नाम की लड़की उनसे पूछती है तेत्सुओ कहां है। वो जवाब देते हैं कि उन्हें नहीं पता और वो एक हॉस्पिटल में है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि तेत्सुओ हॉस्पिटल से भाग गया है और वो सीधा काओरी से मिलने पहुंचता है। वो बताता है कि उसके साथ क्या हो रहा था और अब वो वापस नहीं जाना चाहता। वो काओरी के साथ भाग जाना चाहता है। कुछ ही देर बाद वो कनाडा की बाइक लेके काओरी को अपने साथ भगा ले जाता है। वहां से निकलते ही एक क्लाउन मेंबर उसे देख लेता है और फिर वो और उसके दो साथी उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। कनाडा की बाइक बंद हो जाती है। फिर क्लाउन्स पहले काओरी पे हमला करते हैं फिर तेत्सुओ पर। वो काओरी के कपड़े फाड़ के उसे ह्यूमिलिएट करते हैं और उसे बुरी तरह से पीटते हैं। क्लाउंस के आसपास दिखाई देने की खबर कैप्सूल्स तक पहुंच चुकी होती है और जैसे ही क्लाउंस पिछली बार का बदला लेने के लिए कनाडा की बाइक को आग लगाने वाले होते हैं वैसे ही कैप्सूल्स वहां पहुंच जाते हैं और तेत्सुओ और काओरी को बचाते हैं। क्लाउंस भाग जाते हैं। तेत्सुओ ह्यूमिलिएटेड सा फील करता है कि कनाडा क्यों उसे हमेशा बचाता है। वो क्यों उसे अपने मसले अपने आप नहीं सुलझाने देता। उसी वक्त तेत्सुओ को एक बहुत तेज हेडेक होना शुरू होता है और उसे अब लैब जैसे विजन्स नजर आ रहे हैं। उसे भ्रम हो रहा है जैसे उसकी आंतें बाहर आ गई हों। उसकी आंखें बहुत बड़ी हो जाती हैं। उसे वापस हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कनाडा और उसके साथियों को यह समझ नहीं आ रहा होता कि यह हो क्या रहा है। उसका साथी काय पूछता है कि अब करना क्या है। उन्हें वहां सिक्योरिटी आती हुई नजर आती है। सिक्योरिटी टेररिस्ट बॉम्बिंग की वजह से उस जगह को कॉर्डन ऑफ कर देती है। वो सभी को चेक पॉइंट पर आईडी दिखाने के लिए कहती है। यहां रियू के को एक सीवेज लाइन के पास छोड़ के चला जाता है और कहता है रॉन्डेवू पॉइंट पे ही मिलना। एक ऑफिसर के को ढूंढ लेता है और उसके हाथ में गन देख के अलर्ट होके कहता है गन नीचे फेंक दो। तभी कनाडा पीछे से आके उसे बचाने की कोशिश करता है और के से ऑफिसर के चेहरे पे गोली चल जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। बाकी ऑफिसर्स गोलियों की आवाज सुन के वहां पहुंचते हैं। कनाडा फिर से उसकी मदद करता है वहां से बाहर निकलने में। कर्नल तीसरी एस्पर यानी क्योको के पास पहुंचता है जो ये बताती है कि उसने एक सपना देखा जिसमें एक बड़ी परछाई ने शहर को कवर कर लिया और वो टूट रहा है। बहुत से लोग मारे गए और हम फिर से अकीरा से मिल पाए। कर्नल ये सब सुनके हैरान रह जाता है और पूछता है
ये सब होगा कब? वो कहती है कि इस लड़के को जाने मत देना। कर्नल को उसकी बातें समझ नहीं आती। डॉक्टर बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसकी दवाइयां एक्यूरेट हैं, यहां किसी भी टेस्ट में कोई एबनॉर्मलिटीज नहीं है। शायद ये उसकी प्री कॉग्निटिव पावर्स की वजह से हो रहा है और उसे पहले ही पता चल गया कि आगे क्या होगा। इसलिए हमें इसे सुप्रीम काउंसिल में इंक्वायरी के लिए भेजना होगा, क्योंकि उसे क्योको की बात और उसकी एबिलिटीज पर पूरा भरोसा है। कर्नल बहुत कुछ कहके शहर के बारे में अपनी नफरत जाहिर करता है, लेकिन वो फिर भी इसे बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो बस एक सोल्जर की तरह सोचता है। वो एक फैसिलिटी में जाके चेक करता है जहां कोई एबनॉर्मलिटीज नहीं है। रिसर्च स्टाफ बताता है फ्लक्चुएशन टॉलरेंस, इमरजेंसी पावर जनरेटर सब ठीक है। फिर वो एक जगह पहुंचते हैं जहां कर्नल तबाही की बात करता है, जहां लोगों ने अपनी क्यूरियोसिटी के चलते दुनिया में दुख, दर्द और आतंक फैला दिया, और अब वो अपने उन्हीं कर्मों से छिपना चाह रहे हैं। इधर के रियो को ढूंढने की कोशिश कर रही है और कनाडा अब भी उससे फ्लर्ट करना जारी रखता है, के ध्यान नहीं देती। कुछ स्पाइस के साथ रियो वहां पहुंचता है। वो कनाडा को एक कमरे में बंद कर देते हैं और के कहती है कि वो कोई जासूस नहीं है। यहां हमें उनका नया प्लान पता चलता है कि मिस्टर नेजू ने उनके लिए लैब पासेस इशू किए हैं ताकि वो एक नए सब्जेक्ट पर डिटेल इकट्ठा कर सकें। टेट्सुओ के लिए एक सिंपैथेटिक टोन सेट की जाती है, क्योंकि एंटी गवर्नमेंट जासूसी रिंग एक ऑरवेलियन सरकार की डायर सिचुएशन पर विचार करती है, जो बिना सहमति के अपने सिटीजन्स पर एक्सपेरिमेंट करके सभी लोगों में सुपर पावर्स को अनलॉक करना चाहती है। यहां वो टेट्सुओ के एक्सीडेंट का जिक्र करता है और कहता है कि वही ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन का नया सब्जेक्ट है। कनाडा उनकी बातें सुन रहा होता है, इसलिए एक स्पाई कहता है कि इसने हमारी बातें सुन ली, इसे मार देना चाहिए। के कहती है इसने मुझे दो बार बचाया। कनाडा बताता है कि वो जिसका एक्सीडेंट हुआ वो मेरा दोस्त है, और जब एक्सीडेंट हुआ तब मैं वहीं था। वो उसे छोड़ देते हैं। रियो मिस्टर नेजू को बताता है कि वो लड़का सब्जेक्ट के बारे में जान चुका है और शायद वो उसे जरूरत पड़ने पर एक डिकॉय की तरह यूज कर सकते हैं। नेजू कहता है कि नियो टोकियो कुछ वक्त में बदलने वाला है और इसे बदलेगा अकीरा। इसे वो लोग बदलेंगे जो ये मानते हैं कि अकीरा ये कर पाएगा। अकीरा के जागने का वक्त नजदीक आता जा रहा है। एक मीटिंग में सभी काउंसिल्स और कर्नल सुप्रीम एग्जीक्यूटिव के आगे अपनी बात रखते हैं। काउंसिल का मानना है कि इन एस्पर्स पे बेवजह इतना पैसा उड़ाया जा रहा है। इनकी वजह से एंटी गवर्नमेंट एलिमेंट्स आतंकी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आर्मी, राइट स्क्वाड और इवन ट्रैफिक पुलिस का खर्चा इतना बढ़ गया है कि पब्लिक सेफ्टी बजट लगभग खत्म होने की कगार पर है, और फिर भी नंबर 26 की किडनैपिंग हो जाती है। उन्हें लगता है यह पैसा किसी वेलफेयर प्रोग्राम में यूज होना चाहिए। कुछ को तो यही यकीन नहीं होता कि अकीरा थर्ड वर्ल्ड वॉर का जिम्मेदार है भी या नहीं, क्योंकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, किसी ने उसे आज तक देखा भी नहीं। कर्नल उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि अगर हमने उसे अभी नहीं रोका तो बहुत देर हो जाएगी। वो पूछता है, जब तक अकीरा कोई तबाही नहीं मचाएगा तब तक क्या आप लोग इस बात को समझेंगे ही नहीं? हेड काउंसिल ने कहा कि ये वर्ल्ड रिन्यूअल मूवमेंट नहीं बल्कि एंड ऑफ द वर्ल्ड की तरह है, और अब नियो टोक्यो का पीस कर्नल के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता और उसे इंक्वायरी कमेटी का सामना करना पड़ेगा। ये सुनके कर्नल मीटिंग छोड़ के चला जाता है। हॉस्पिटल में टेत्सुओ को होश आता है और प्यास की वजह से उसकी आंखें खुलती हैं। रियो के कनाडा और उसके साथ वाले केबल रिप्लेस करने वाले का भेस लेके लैब में पहुंचते हैं। टेत्सुओ को फिर से बेचैनी होने लगती है। एस्पर्स छोटे टॉयज बनके टेत्सुओ के हेलुसिनेशंस में उसके तकिए तक पहुंच जाते हैं। जब टेत्सुओ उन्हें पकड़ता है तो वो टेडी बेयर, रैबिट और एक टॉय कार की जायंट फॉर्म ले लेते हैं। वो टेत्सुओ को डरा के उसे मारने की कोशिश करते हैं। वहां बहुत सारा दूध फैल जाता है और जमीन पर पड़े ग्रास पर टेत्सुओ का पैर पड़ता है और ग्लास टूट के उसके पैरों में चुभ जाता है। उसके पैर से खून निकलने लगता है। तकाशी और कियो को खून देख के डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। टेत्सुओ अपने रूम का दरवाजा तोड़ के बाहर आ जाता है। लैब असिस्टेंट उसे वापस रूम में जाने को कहता है। टेत्सुओ अपने नई शक्तियों का इस्तेमाल करके लैब असिस्टेंट और उसके दो गार्ड्स को हॉलवे में ही उड़ा देता है। सब जगह खून फैल जाता है। इधर रियो के स्पाइज सेंट्रल वायरिंग शाफ्ट से होते हुए उन सब लेवल्स तक पहुंच जाते हैं जिन्हें कंप्यूटर डिस्प्ले नहीं करता। वो सीवर से होते हुए निकलते हैं। कनाडा उनके साथ ही है। सब खामोशी से आगे बढ़ते हैं।
पर कुछ ही सेकंड्स में उन्हें पता चल जाता है कि यहां सिक्योरिटी को पहले के मुकाबले बढ़ा दिया गया है। उन्हें स्पॉट कर लिया जाता है, वो वहां से भाग जाते हैं। सीवर पायलट बैकअप मंगवाता है और वहीं क्रैश हो जाता है। दूसरा वहां पहुंच के को स्पॉट कर लेता है, लेकिन कनाडा फिर से उसकी जान बचाता है और उसे सीवर पायलट के पेट्रोलिंग व्हीकल पे बैठा के वहां से निकल जाता है। उन्हें रेडियो से पता चलता है कि गार्ड्स टेट्सुओ पे हमला करने के लिए कर्नल से क्लियरेंस चाहते हैं, क्योंकि टेट्सुओ रूम से भाग चुका है और बेबी रूम की तरफ बढ़ रहा है। लेबोरेटरी स्वॉट टीम टीयर गैस के जरिए टेट्सुओ को एस्पर नर्सरी तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करती है, पर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके स्मोक को खुद से दूर कर देता है और उसकी पावर्स की वजह से दीवारें और छत क्रम्बल होना शुरू हो जाती है। वो गन से उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर कोई फायदा नहीं होता। वो एस्पर्स के पास पहुंच जाता है। वो टेट्सुओ को जायंट टॉयस की तरह फिर से रोकने की कोशिश करते हैं पर उसे नहीं हरा पाते। मसारू तकाशी को लेके क्योको के पास भाग जाता है। टेट्सुओ को समझ नहीं आ रहा होता कि उसकी पावर सच में है या फिर उसका भ्रम है। इधर कनाडा को समझ नहीं आता कि वो किस तरफ जाए। क्योको रेडिंग स्पाई ग्रुप की लड़ाई को, कनाडा और के हीरोइक मोशंस को सेंसर करके के की बॉडी को टेक ओवर कर लेती है और उन्हें उस भूल भुलैया जैसे टनल से होते हुए एक ऐसी एलिवेटर की तरफ गाइड करती है जहां वो लोग रहते हैं। टेट्सुओ सबके पास पहुंच के कहता है कि अच्छा हुआ तुम साथ ही मिल गए। वो यहां तकाशी को पहचान लेता है कि उसी की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ। इस टेलीकिनेटिक व्हील्स की जंग में तकाशी टेट्सुओ पर अपनी पावर्स आजमाने की कोशिश करता है और उसके आसपास से जमीन टूट के हवा में उड़ने लगती है। टेट्सुओ अपनी पावर से पलटवार करता है। मसारू तकाशी की हेल्प करता है। टेट्सुओ और भड़क जाता है। जमीन में इतनी पावर की वजह से दरारें पड़ने लगती हैं। कर्नल और डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि अभी उसकी पावर्स ज्यादा विकसित नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से उसका दिमाग डैमेज हो सकता है। होता भी कुछ ऐसा ही है। वो अपनी शक्तियां कंट्रोल नहीं कर पाता। क्योको अपने ग्लास डोम से ही डायरेक्ट टेट्सुओ के माइंड में बात करने लगती है और कहती है कोई है जिसके पास उससे और बाकी सभी एस्पर से ज्यादा शक्तियां हैं और वो है अकीरा। बाकी दोनों भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसकी शक्तियों से अकीरा जाग जाएगा और ऐसा हुआ तो उसे रोकना नामुमकिन होगा। टेट्सुओ को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अकीरा के बारे में पूछता है कि वो है कहाँ। वो गुस्से में इतनी ज्यादा वॉयलेंट बर्स्ट ऑफ एनर्जी यूज करता है कि क्योको का ग्लास डोम टूट जाता है और सभी पीछे जाके गिर जाते हैं। इधर कनाडा और के लेवल 7 क्रॉस करके सिक्योरिटी तक पहुंच जाते हैं और बेबी रूम का रास्ता पूछते हैं। बेबी रूम में तबाही होना शुरू हो जाती है। पिलर टूटने लगते हैं, जमीन फटने लगती है। मसारो और तकाशी जैसे तैसे खुद को और क्योको को बचाते हैं। तभी कनाडा वहां पहुंच जाता है और कहता है टेट्सुओ मैं तुम्हें बचाने आया हूं। सिक्योरिटी टीम टेट्सुओ तक पहुंच जाती है पर टेट्सुओ अपनी पावर से उन्हें या तो मार देता है या अनकॉन्शियस कर देता है। कनाडा भी इसी हमले में पीछे की तरफ जाके गिरता है। टेट्सुओ कहता है कि अब तुम्हें मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये काम खुद करूंगा। वो कनाडा को उकसाता है। टेट्सुओ के गुस्से के साथ उसकी पावर्स भी बढ़ती जाती हैं और वो कनाडा पे हमला करता है और वहां की सीलिंग समेत पूरे रूम को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्योको उसे कहती है बहुत हो गया, अब किसी को चोट मत पहुंचाओ। टेट्सुओ उसकी तरफ बढ़ता है और उसका माइंड रीड करके अकीरा की लोकेशन पता लगा लेता है। ओलंपिक स्टेडियम अंडरग्राउंड, क्योको उसे रोकती है पर टेट्सुओ ग्लो होके रेड हो जाता है और पावर्स पीक पे पहुंच जाती हैं, जिससे वो बिल्डिंग से उड़ के सीधा बाहर चला जाता है। उसकी पावर्स उसे गिरने नहीं देती। तकाशी क्योको को उठा के उसे नुकसान से बचाता है। एस्पर्स, डॉक्टर और कर्नल किसी को भी यकीन नहीं होता कि उसके पास इतने कम वक्त में इतनी पावर्स आई कैसे। कर्नल उसकी तलाश शुरू करवाता है। क्योको बताती है कि वो ओलंपिक कंस्ट्रक्शन साइट नीचे वाली फैसिलिटी की तरफ गया है। कर्नल उसे पकड़ने की तैयारी करता है। के समझ जाती है कि क्योको ने ही उसके माइंड का यूज करके उन्हें यहां तक पहुंचाया है। अगर कर्नल उसे नहीं पकड़ पाया तो वो उसे शहर के बाहर ले जाकर उस पर हमला करेंगे। अब उनके पास खोने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। तभी सुप्रीम एग्जीक्यूटिव काउंसिल से दो अरेस्ट ऑफिसर्स कर्नल को काउंसिल का फैसला सुना के कहते हैं कि कर्नल से उसकी कमांड और रैंक दोनों वापस ली जाती हैं और उसे अरेस्ट किया जाता है। कर्नल उन्हें शूट करवा देता है और कहता है अपनी आंखें खोलो, तुम इन करप्ट पॉलिटिशियंस और कैपिटलिस्ट के हाथों की कठपुतली बन चुके हो, हम ये हालात उनके हाथ में नहीं छोड़ सकते।
स्टेट ऑफ इमरजेंसी अनाउंस कर दो और एग्जीक्यूटिव्स के सभी मेंबर्स को अरेस्ट कर लो। तेत्सुओ उसी बार में पहुंचता है जो हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। बारटेंडर उसे बताता है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारी चिंता कर रहे थे। कुछ देर में यामागाता और काय वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि बारटेंडर मर चुका है। तेत्सुओ ऊपर बैठा हंस रहा होता है और कहता है कि कनेडा ने तुम्हें याद किया था, वो अब तक मर चुका होगा। यामागाता समझ जाता है कि ये सब उसी ने किया है। यामागाता उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन तेत्सुओ अपनी पावर्स का यूज करके एक बड़ा बार काउच उसके ऊपर गिरा देता है। कनेडा के से पूछता है कि सब अकीरा के पीछे हैं, आखिर ये है कौन। रियो ने के को बताया था कि अकीरा एक अल्टीमेट एनर्जी है। इंसान जिंदगी में इतनी सारी चीजें बनाता है, डिस्कवर करता है, उतनी नॉलेज और एनर्जी कहां से आती है। इंसान पहले बंदर था, उससे पहले सिर्फ रेप्टाइल्स या फिश थी, और उससे भी पहले प्लैंकटन और अमीबास थे। ऐसे छोटे क्रिएचर्स में भी बहुत एनर्जी होती है। इनसे भी पहले हवा या पानी एक जेनेटिक मटेरियल था, स्पेस के डस्ट पार्टिकल्स में भी। अगर ये सब सच में है तो उनमें क्या क्या चीजें छिपी होगी, यूनिवर्स की शुरुआत या फिर कुछ उससे भी पहले का। क्या होगा अगर ये एंशिएंट मेमोरीज हर एक के पास हो। क्या होगा अगर एक अमीबा को एक इंसान जितनी शक्तियां दे दी जाए। कनेडा को उसकी बात समझ नहीं आती। वो पूछता है तो क्या अकीरा एक अमीबा है। के कहती है कि वो अपने घर और ब्रिजेस नहीं बनाते, बस अपनी सराउंडिंग्स में मौजूद सारे खाने को खत्म कर देते हैं। कनेडा समझ जाता है कि यही सब तो तेत्सुओ कर रहा है, तो क्या उसमें वाकई इस तरह की एनर्जी है। यो को फिर से के की बॉडी टेक ओवर करके कहती है कि बहुत पहले कुछ लोगों ने उस पावर को कंट्रोल करने की कोशिश की थी गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर वो फेल हो गए और वहीं क्योंकि फॉल का कारण बना। के वापस आती है, दरवाजा अनलॉक हो चुका होता है। कनेडा को ये सब एक चाल लगती है। एस्पर्स के मुताबिक अब उनके पास एक ही ऑप्शन है, के को यूज करना। सर्च कमांड बार तक पहुंच जाती है जिसे तेत्सुओ ने तबाह किया था। वहां की तोड़फोड़ देख के वो समझ जाते हैं कि ये किसी बॉम्ब या एक्सप्लोजन ने नहीं किया, बल्कि ये तेत्सुओ का ही काम है। काय कनेडा के पास पहुंच के बताता है कि तेत्सुओ पूरी तरह बदल चुका है और उसने यामागाटा को मार दिया है। कनेडा फ्रस्ट्रेशन जताता है कि वो उसे बचपन से जानता है, हर कोई उसे रुलाने की कोशिश करता था। काय बताता है कि वो उसकी बाइक के बारे में पूछ रहा था। कनेडा फिर गुस्से में यामागाटा की बाइक तोड़ देता है। वो देखता है कि स्ट्रीम के पास तकाशी खड़ा है। वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके के की बॉडी को टेक ओवर करके पानी पे चलते हुए अपने साथ ले जाता है। कनेडा भी उसे पहचान लेता है कि एक्सीडेंट की रात तकाशी वहां मौजूद था। वो पीछे से के को आवाज देता रहता है, लेकिन वो गायब हो जाते हैं। तभी कियो को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके काय और कनेडा से बात करती है और कहती है कि अकीरा की पावर हर किसी में शुरू से मौजूद होती है, पर जब वो पावर जागती है तो उसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए। जब वो समय आएगा तब शायद तुम्हें पता ना चले, तो अच्छा है कि तुम पहले ही प्रिपेयर रहो। पर तुम्हारे दोस्त ने अपना फैसला ले लिया है। तेत्सुओ हमारा नया साथी है, पर उसके एक्शंस आउट ऑफ कंट्रोल हैं और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम भी हैं। कनेडा को समझ नहीं आता कि ये कौन कर रहा है और वो के को क्यों ले गए हैं। केओ को बताती है कि शायद वो हमारी किसी तरह मदद कर पाए। काउंसिल में नेजू का असिस्टेंट उसको बताता है कि बाकी लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, हाउस गार्ड्स उनसे लड़ रहे हैं। नेजू को कर्नल के किए पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। तभी रियो नेजू के पास पहुंच के उससे माफी मांगता है और कहता है कि उनका मिशन एक फेलियर था। नेजू उसके वहां आने पे बहुत नाराज होता है। नेजू को हार्ट में दिक्कत होने लगती है और वो रियो को गोली मार देता है। बाहर तेत्सुओ अपनी पावर से एक हेलीकॉप्टर क्रैश करवा देता है और वहां पड़े एक रेड क्लॉथ को अपना केप बना लेता है। टैंक कमांड तेत्सुओ पर अपना निशाना साधता है और फायर करता है। तेत्सुओ टैंक शेल को खुद से कुछ फीट दूरी पर ही रोक देता है और वो वहीं एक्सप्लोड हो जाता है। जब धुआं छटता है तो लोग उसे सही सलामत देख के हैरान रह जाते हैं। अकीरा के फैन उसकी जय जयकार करने लगते हैं। एक टैंक उस पे फिर से हमला करता है और तेत्सुओ फिर से अपनी पावर्स के जरिए उसे क्रैश करवा देता है। न्यूज चैनल सब कवर कर रहे होते हैं। वो ये देख के हैरान है, एक लड़का अकेला ही पूरी आर्मी से लड़ रहा है। जल्द ही आर्मी हेलीकॉप्टर में उड़ रहे प्रेस के आदमी को फोर्स लैंड के लिए कह के रिपोर्टिंग बंद करवा दी जाती है। कनेडा अपनी बाइक लेके तेत्सुओ की तलाश में निकल जाता है क्योंकि उसे उसकी बाइक से दिक्कत थी।
काय उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकता। तभी लेजर स्क्वाड वहां पहुंचता है और निशाना पीछे कुछ लोगों पे लगता है और उनकी बॉडी पार्ट्स कट हो जाते हैं। फिर सब साथ में मिलकर तेत्सुओ पे हमला करते हैं और तेत्सुओ अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन्हें खुद को छूने भी नहीं देता। और पावर एक्टिवेट होते ही तेत्सुओ ब्रिज का एक सेक्शन ऊपर उठाता है जिससे चेन रिएक्शन शुरू होता है और ब्रिज के सभी सेक्शंस नीचे गिर जाते हैं। इस हादसे में कुछ सोल्जर्स की मौत हो जाती है। कर्नल मोबाइल रेडियो पे डॉक्टर से तेत्सुओ की एग्जैक्ट लोकेशन बताने को कहता है। डॉक्टर कोऑर्डिनेट्स की मदद से बताता है कि वो ओलंपिक कंस्ट्रक्शन साइट से 2 किलोमीटर साउथ पर है। तेत्सुओ वहां पहुंचता है और उस जगह पानी पे चलता है जो हाईवे और रिस्ट्रिक्टेड ओलंपिक स्टेडियम अंडरग्राउंड एरिया को अलग करती है। वहां उसे जाने से मना किया जाता है लेकिन तेत्सुओ एक बड़े कंटेनर के पास पहुंच जाता है जिसपे अकीरा लिखा होता है। उसमें से एक दरवाजा खुलता है और के बाहर आती है जिसे कियोको ने टेक ओवर किया हुआ है। वो कहती है कि तुम्हें अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम उसे नहीं, वो तुम्हें कंट्रोल करेगी। तेत्सुओ कियोको की आवाज पहचान जाता है। वो अपनी असीम पावर का डिस्प्ले करके उस अरीना साइज के कंटेनर को अंडरग्राउंड से ऊपर ले आता है जिसमें अकीरा के अवशेष बचे होते हैं। के की पावर एक्टिवेट होती है और वो कंटेनमेंट स्ट्रक्चर से जुड़ी एक जायंट केबल डिस्कनेक्ट करके स्मोक पैदा करती है जिससे तेत्सुओ डिस्ट्रैक्ट होता है और उसे पीछे की तरफ से उड़ते हुए आके उसे चौंका देता है। तेत्सुओ पहले ही खतरा भांप जाता है और अपनी पावर की मदद से बच भी जाता है। उनकी इस घातक टेलीकिनेटिक बैटल से शहर के कई हिस्से और वो जायंट कंटेनमेंट तबाह हो जाते हैं। लड़ाई जीत के वो उस मशीन का दरवाजा खोलता है जिसमें अकीरा के अवशेष मौजूद हैं। कर्नल उसे माइक के जरिए बताता है कि यही है तुम्हारा अकीरा जिसकी तबाही के बाद उसके सभी ऑर्गन्स और टिश्यूज को साइंस में मौजूद हर टेस्ट के लिए भेज दिया गया। वो मर चुका है और उसके यही कुछ हिस्से बचे हैं। कोई उसकी मिस्ट्री नहीं सुलझा पाया इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अपना सारा डेटा और टेस्ट सैंपल्स फ्यूचर जनरेशन के लिए इन फ्रोजन कैप्सूल में प्रिजर्व करके रखेंगे। कर्नल उसके खिलाफ सोल यानी सैटेलाइट ऑर्बिटल लेजर को यूज करने की बात कहता है जो कि एक बड़ा ऑर्बिटल वेपन्स प्लेटफॉर्म है जिसे डिजाइन और बिल्ड किया गया था जापानीज वर्ल्ड वॉर 3 के दौरान। तेत्सुओ शांत होने के बजाय कर्नल के व्हीकल की तरफ एक बड़ी एनर्जी वेव फेंकता है। अफरा तफरी में वो सेंट्रल डिफेंस को उन्हें सोल के मेन कंट्रोल सर्किट से फौरन जोड़ने को कहता है। तभी कनेडा तेत्सुओ के पास पहुंचता है और फिर से उससे पहले की तरह बर्ताव करके उसे उकसाता है। तेत्सुओ इरिटेट हो जाता है और अपनी पावर्स एक्टिवेट करता है लेकिन कनेडा उसके डिस्ट्रैक्ट होते ही उस पर लेजर से हमला करता है। उसके दूसरा फायर करते ही तेत्सुओ उसके कुछ यार्ड्स दूर चला जाता है। तेत्सुओ के हाथ में थोड़ी खरोंच के सिवा कुछ नहीं होता। जैसे कनेडा के को वहां देखता है वो चिल्ला के उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तेत्सुओ को पता चल जाता है कि वो वहां छिपा है। वो बाहर निकल के तेत्सुओ पर हमला करने में कामयाब होता है लेकिन तभी उसकी लेजर की बैटरी डेड हो जाती है। वो उसे हाथों से लड़ने की चुनौती देता है। तेत्सुओ उसकी बेबसी पर हंसता है कि तभी ऊपर से एक रोशनी आती हुई दिखाई देती है। ये रोशनी दरअसल सोल सैटेलाइट की थी। तेत्सुओ उसके ब्लास्ट में फंस जाता है और ब्लास्ट में उसका राइट हैंड कट चुका है। वो दर्द से कर रहा है लेकिन जब सोल सेकेंड टाइम हिट करता है तो तेत्सुओ एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन का बबल बना लेता है। ब्लास्ट खत्म होने के बाद तेत्सुओ आसमान की तरफ उस एनर्जी बीम का पीछा करता है और उड़के सोल तक पहुंच जाता है। वो सैटेलाइट के टॉप पे पहुंच के उसका कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है और नियो टोक्यो पे बहुत सारे राउंड फायर करता है। सोल की कंट्रोल टीम पूरी तरह कंट्रोल खो देती है। कर्नल को भी कुछ समझ नहीं आता। डिस्ट्रैक्शंस का फायदा उठा के काय और के कनाडा को वहां से बचा लेते हैं। तेत्सुओ उस रबल से एक मैकेनिकल आर्म क्रिएट करता है। सभी एक्सपर्ट्स प्लान करते हैं कि तेत्सुओ के साथ क्या करना चाहिए। इधर डॉक्टर तेत्सुओ की पावर और एनर्जी से मिल रहे डेटा को देखकर खुशी से हैरान हो जाता है। कर्नल डॉक्टर पर चिल्लाता है क्योंकि उसने अभी भी तेत्सुओ को अपने सब्जेक्ट के तौर पर रिजेक्ट नहीं किया था। काय उदास होता है क्योंकि उसकी बाइक जल रही है। वहीं काओरी तेत्सुओ के पास पहुंच के कहती है कि तुम्हें सब अकीरा क्यों बुला रहे हैं, इसका मतलब क्या है। तेत्सुओ कहता है कि कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। वो उसका आर्टिफिशियल हाथ देख के चौंक जाती है। उसकी पावर्स का कंट्रोल उससे छूटने लगता है। उसकी आर्म से कुछ वायर्स निकल के सीमेंट चेयर को जकड़ने लगते हैं।
कावरी उसके लिए परेशान होती है, पर तेत्सुओ उसे वहां से जाने के लिए कहता है। वो कर्नल को कहता है कि उसके लिए मेडिसिन लाए। डॉक्टर के ड्रग ने उसकी पावर को रोका हुआ था। डॉक्टर समझ चुका है कि उसकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। कर्नल तेत्सुओ को लैब वापस चल के सही ट्रीटमेंट लेने के लिए कहता है। तेत्सुओ वहां पे उन एस्पर बच्चों जैसी जिंदगी जीने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो कर्नल को अपनी पावर से दूर फेंक देता है। वो कावरी से दवाई की भीख मांगता है। कर्नल उसे शूट करता है। उसकी पावर्स की वजह से उसकी आर्म म्यूटेट होने लगती है और फ्लैश और मैकेनिकल पार्ट से मिलके एक जायंट आर्म में तब्दील हो जाती है। ये आर्म कर्नल को फंसा लेती है। तभी कनेडा अपनी बाइक लेके उस पे लेजर से हमला करता है। तेत्सुओ उसे डॉच करके स्टेडियम फ्लोर तोड़ के उसका एनर्जी ब्लास्ट से पीछा करता है। उसके ऊपर पत्थर गिरने वाले होते हैं, मगर तकाशी उसे बचा लेता है। मसारू क्योको को उठा के वहां से ले आता है जहां अकीरा के अवशेष रखे हैं। तकाशी भी उनके पास पहुंच जाता है और क्योको कहती है अकीरा यहां मौजूद है। कनेडा फिर से चलती बाइक से तेत्सुओ पर हमला करता है और नीचे गिरते ही तेत्सुओ की आर्म फिर से म्यूटेट होना शुरू कर देती है, जिसमें इस बार वो उसकी बॉडी को भी सोखना शुरू कर देती है। वो कनेडा से मदद की भीख मांगता है। वो कावरी की बॉडी को ओवरटेक कर लेता है और कावरी मदद के लिए चिल्लाती है। कनेडा फिर से उस पे निशाना लगाने वाला होता है, पर तभी जमीन उखड़ने की वजह से कनेडा भी उसके शरीर में फंस जाता है। तेत्सुओ पावर्स पे अपना कंट्रोल पूरी तरह खो चुका होता है। कावरी मर जाती है। उसका दर्द अब तेत्सुओ में समाने लगता है। वो कनेडा से भागने को कहता है। उसका पूरा म्यूटेटेड शरीर स्टेडियम में फैलने लगता है और कनेडा उसमें से निकल के बाहर आ जाता है। कर्नल एस्पर्स को वहां से जाने के लिए कहता है। तेत्सुओ म्यूटेट होके एक बड़े बच्चे जैसा रूप ले लेता है और डॉक्टर को यह देख के बिल्कुल यकीन नहीं होता। तेत्सुओ कर्नल को भी जकड़ लेता है। एस्पर्स अपनी पावर से अकीरा को अपनी दुनिया में बुला लेते हैं और उसके अवशेष वाले सारे कैप्सूल्स टूट जाते हैं। वो अपने बच्चों जैसी फॉर्म में वापस आ जाता है और उसकी व्हाइट ऑरा वाली पावर हमारे सामने रिवील होती है। वो पूरे स्टेडियम में फैलने लगती है और क्योको अपनी शक्ति से कर्नल को वहां से भेज देती है और सुरक्षित रहने के लिए उसे पास की एक टनल में जाने को कहती है। तेत्सुओ अकीरा की रोशनी में समाने लगता है। कनेडा उसे बचाने की कोशिश करता है, पर तकाशी उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन कनेडा उसे रास्ते से हटाता है और तेत्सुओ उसे भी अपने साथ अंदर ले जाता है। तकाशी मसारू के मना करने के बावजूद उस रोशनी के अंदर कनेडा को बचाने के लिए कूद जाता है, क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। फिर मसारू कहता है कि अगर हम भी अंदर गए तो हम वापस नहीं आ पाएंगे, पर हम तीनों मिलके एटलीस्ट कनेडा को तो बचा सकते हैं। स्टेडियम के आसपास की चीजें तबाह होने लगती हैं। काय और के दूर से ही इस रोशनी को देख कनेडा की चिंता करते हैं। वहीं उस रोशनी में फंसे होते हुए ही कनेडा तेत्सुओ के साथ अपनी मेमोरीज देखता है, जहां वो उसे बाइक चलाने की टिप्स देता है। ये मेमोरी खत्म होते ही वो दूसरी में एंटर करता है, जहां हम एक बस से कुछ बच्चों को उतरते हुए देखते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि एस्पर्स होते हैं अपने असली ह्यूमन रूप में। इसमें क्योको, तकाशी, मसारू और अकीरा भी शामिल होता है, जिन्हें फैसिलिटी में उनकी टेलीकिनेटिक पावर्स के लिए ट्रेन किया जा रहा है। कनेडा पूछता है क्या ये अकीरा है, तो एस्पर्स जवाब देते हैं हाँ, हमने ही उसे बुलाया है तेत्सुओ को ले जाने के लिए। ये उसके लिए और हम सभी के लिए बहुत मुश्किल था, पर हमें उम्मीद है एक दिन हम ऐसा जरूर कर पाएंगे। फिर वो अपने स्कूल डेज को देखता है, जहां वो और तेत्सुओ पहली बार मिले थे। वो दोनों बुली हुए थे और इसलिए उनकी दोस्ती हुई। डॉक्टर तेत्सुओ से मिल रहे डेटा को देख के हैरान हो जाता है। अचानक वो रोशनी का गोला बिल्कुल छोटा हो जाता है। बिल्डिंग्स टूटती हैं, बाढ़ जैसे हालात होते हैं, डॉक्टर की भी मौत हो जाती है। सब शांत होने के बाद के कनेडा को आवाज देती है। वो जाता है और वो उस छोटी रोशनी को अपने हाथ में लेके तेत्सुओ को याद करता है। के उसे देख के बहुत खुश होती है। वो बताता है कि तेत्सुओ और वो तीनों बच्चे और अकीरा सब जा चुके हैं। काय कनेडा को जिंदा देख के खुशी से रोने लगता है। कर्नल तबाही के बाद शहर में टहल रहा होता है। काय, कनेडा और के उनकी टूटी हुई बाइक पे वहां से निकल जाते हैं और एक रोशनी और एक डायलॉग के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन पहलुओं के बारे में जो इस फिल्म को आज के दौर में भी बेहद खास और सिग्निफिकेंट बनाती हैं। इसमें पहली चीज है फ्रेंडशिप।
अकीरा फिल्म में दोस्ती की इम्पोर्टेंस पर काफ़ी जोर दिया गया है। कैप्सूल गैंग के सभी मेंबर्स का एक मजबूत बॉन्ड है। शायद इसका रीज़न है उन्हें सालों से निगलेक्ट किए जाना और उन पे नाकारे होने का लेबल लगाया जाना। टेट्सुओ के राइवल गैंग द क्लाउंस में लीडरशिप के लिए कैप्सूल्स को छोड़कर जाने के बाद यामागाटा, कनेडा और बाकी फ्यूरियस हो जाते हैं। वो उसे मारने के पूरे इरादे से उसका पीछा करते हैं क्योंकि टेट्सुओ ने उन्हें धोखा दिया। यही विश्वासघात है और यामागाटा की मौत कनेडा को टेट्सुओ का हंट डाउन करने के लिए इंस्पायर करती है। अपने दोस्तों को धोखा देना कनेडा की नज़र में सबसे बड़ा क्राइम है। फिल्म के एंड में कनेडा के और काय को एक नए नियो टोक्यो में बाइक राइड करते हुए दिखाया गया है, लेकिन मांगा के कुछ आखिरी पेजेस में इसी सीन के साथ एक और चीज़ भी चलती है और वो है मरे हुए यामागाटा और टेट्सुओ के साथ में राइड करते हुए विजन्स, जिससे ये साबित होता है कि उनकी दोस्ती अनंत काल तक की है, यहाँ तक कि ये मौत को भी पार कर चुकी है। यहाँ दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यूथ की ताकत। इस फिल्म में यूथ की ताकत की बहुत इम्पोर्टेंस है। ज़्यादातर अडल्ट्स और यहाँ तक कि अथॉरिटी फिगर्स को भी आम तौर पर भ्रष्ट और सत्ता के नशे में चूर दिखाया जाता है। इसकी एक एक्सेप्शन है और वो है कर्नल शिकिशिमा। हालांकि वो फिल्म में तख्ता पलट भी करता है, वो ऑटोमेटिकली टीनेज कैरेक्टर को इग्नोरेंट बदमाशों जैसा मानता है। वो रेस्टलेस यूथ पर अटेंशन देता है ताकि उनकी अपनी गलत एक्टिविटीज़ पर किसी का ध्यान ना जाए। हालांकि अकीरा के ज़्यादातर कैरेक्टर्स एक्चुअल में अपराधी हैं। डायरेक्टर ओटोमो ये क्लियर करते हैं कि वो सिर्फ इसलिए ऐसे हैं क्योंकि उन्हें अपनी ज़िंदगी में सभी अथॉरिटी फिगर्स ने इसी तरह ढाला था। कनेडा और टेट्सुओ अनाथ और निगलेक्टफुल अनाथ आश्रम में भेज दिए गए। कम से कम टेट्सुओ के मामले में तो ऐसा कहा जा सकता है। इनके लिए कभी कोई मौका था ही नहीं। फिल्म में उनके रिफॉर्म स्कूल को देखकर जहां कनेडा, यामागाटा, काय और बाकी स्टूडेंट्स को थप्पड़ मारा जाता है और उन्हें उस पॉइंट तक पंच किया जाता है जहां वो घायल होते हैं और खून थूकते हैं, ऐसी जगह में ये समझना मुश्किल नहीं है कि ये कैरेक्टर्स विद्रोह के लिए इतने मजबूर क्यों हुए। यहां तक कि टेररिस्ट कैरेक्टर्स के रियू और रेजिस्टेंट ग्रुप के बाकी मेंबर्स नियो टोक्यो के भ्रष्ट लीडरशिप के जवाब में अपने अपराध करते हैं। इन्हीं थीम्स ने फिल्म में ज्यादातर फर्स्ट हाफ को घेरा हुआ है। तीसरी सबसे जरूरी चीज है इंसानियत का खोना। अकीरा, मांगा और फिल्म दोनों में ही इंसानियत और किस वजह से एक इंसान अपनी इंसानियत खो देता है, इस चीज को बखूबी एक्सप्लोर किया गया है। आम सहमति से यह समझ में आता है कि पावर लोगों को आइडियली और कभी कभी लिटरली मॉन्स्टर्स में बदल देती है। इसका सबसे क्लियर एग्जाम्पल टेट्सुओ है, जो सरकारी एक्सपेरिमेंट के बाद मेंटली अनस्टेबल सा हो जाता है, जिससे उसकी साइकिक पावर्स डिवेलप होती हैं। हालांकि फिल्म और मांगा में उसके म्यूटेशंस के सर्कमस्टेंसेस अलग अलग हैं। इसे फिल्म में एक ट्रॉमेटाइजिंग तरीके से दिखाया गया है, जिसमें टेट्सुओ की बॉडी एक बड़े फ्लैशी मास में बदलने लगती है। और यहाँ भी कर्नल इस थीम के लिए एक प्योर एक्सेप्शन है। हालांकि वो कैरेक्टर्स के सीधे विरोध में है, लेकिन फिर भी वो अपने कॉमन गुड की तरफ काम करके अपनी इंसानियत को बनाए रखता है। और वहीं मांगा में तो वो नियो टोक्यो के डिस्ट्रक्शंस को रोकने के लिए प्रोटैगनिस्ट के साथ काम करना भी शुरू कर देता है, जो पहले उसके दुश्मन हुआ करते थे। सिविलाइजेशन का डिस्ट्रक्शन मांगा के दूसरे पार्ट में नियो टोक्यो के सिटीजन्स की जानवरों जैसी क्वालिटीज़ को और ज़्यादा सामने लाता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे फिल्म एक्सप्लोर करने में नाकामयाब रही है। के और कियोको पर रेप के इरादे से आदमियों के ग्रुप बार बार हमला करते हैं, जो कि साफ तौर पर एक सभ्य बर्ताव नहीं है। कर्नल ये देखकर भी डिसअपॉइंटेड होता है कि उसके ज़्यादातर फॉर्मर सबॉर्डिनेट्स द ग्रेट टोक्यो एम्पायर में इसी तरह के हैं। दिलचस्प बात यह है कि एम्पायर में छुपे हुए कर्नल के आदमियों में से एक ने अपने फॉर्मर कमांडर को पहचानने के बाद उसकी मदद की। इस सीन में दिया गया मैसेज ऑप्टिमिस्टिक है। हालांकि डिस्ट्रक्शन एक डीह्यूमनाइजिंग फोर्स है, पर लोगों को उनकी इंसानियत की याद दिलाई जा सकती है और वो फिर से वैसे ही बन सकते हैं जैसे कि कभी वो हुआ करते थे। चौथी सबसे ज़रूरी चीज़ है हीरोइज्म की ज़रूरत। फिल्म का डिस्ट्रक्शन ये दिखाना चाहता है कि यहाँ कितने ही लोग बुराई की परछाई में छिपे हुए रहते हैं। ये उन लोगों को भी सामने लाती है जो वाकई में रोशनी में खड़े हैं। अकीरा के हीरोज़ गैंग मेंबर्स, नशा करने वाले, आतंकवादी, सभी तरह के अपराधी हैं।
रियल दुनिया में इस तरह के लोगों को बुरे लोगों की कैटेगरी में फौरन शामिल कर लिया जाता है। हालांकि जब अकीरा नियो टोक्यो को नष्ट कर देता है, वो यही लोग थे जिन्होंने अपनी ह्यूमैनिटी को बनाए रखा। मिलिट्री और पुलिस फोर्स अब मौजूद नहीं होने की वजह से ये सभी अथॉरिटी फिगर्स ग्रेट टोक्यो एम्पायर में ऐसे रिट्रीट करते हैं जहां वो उन क्राइम से भी बदतर क्राइम करते हैं जिन्हें वो खुद पनिश करते थे। इसके उलट प्रोटैगनिस्ट इस मौके पर उठ खड़े होते हैं और अपनी वीरता को सामने लाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों के लिए काम करते हैं। हालांकि फिल्म इस थीम के बारे में कम बात करती है, लेकिन ये वहाँ मौजूद ज़रूर है। सिर्फ कनेडा को मेन कैरेक्टर बनाकर और उसके कैरेक्टर आर्क को डेवलप करके फिल्म हीरोइज्म को दर्शाने की कोशिश करती है। ये फिल्म इन चारों चीज़ से भी एक बड़ा मैसेज देती है कि इंसान भगवान की गैर मौजूदगी में किसी को भी अपना भगवान मान लेता है या खुद अपने लिए एक भगवान क्रिएट कर लेता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे फिल्म में ठीक से नहीं दिखाया गया है, मगर इसे मांगा के जरिए आसानी से समझा जा सकता है। यहाँ नियो टोक्यो सिटीजन्स शहर के डिस्ट्रक्शन के बाद अकीरा और टेट्सुओ को पूजना शुरू कर देते हैं। इन लोगों के लिए साइओनिक वेव्स और टेलीगेनेसिस साइंस नहीं बल्कि चमत्कार हैं। अकीरा के शहर को तबाह करने से पहले साइकिक्स को अवॉइड करने वाले राक्षस की तरह देखा जाता था, लेकिन मुश्किल के समय में, जैसे कि डिस्ट्रक्शन के बाद के माहौल में, लोगों को अपनी उम्मीद बनाए रखने के लिए कुछ चाहिए था। भले ही फिर उन्हें अपनी उम्मीद की किरण एक खोखले परवर्टेड साइकोटिक 15 साल के बच्चे में ही क्यों ना डालनी पड़े। तो दोस्तों, यही सब चीज़ें थी जिन्होंने अकीरा को एक कल्ट क्लासिक बनाने में बहुत मदद की। हालांकि मांगा इस मूवी से कई लिहाज में बेहतर साबित होती है, लेकिन फिर भी हम इस फिल्म की अच्छाई को इससे नहीं छीन सकते। तो दोस्तों, ये था अकीरा का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको अभी मूवी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल या ओपिनियंस है तो उन्हें कॉमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।